हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग गाइस ठीक होंगे। गाइस तो मेरे पास जो डिवाइस है गाइस, ये ओप्पो कंपनी की। गाइस अगर आपके पास ओप्पो कंपनी की कोई सी भी डिवाइस है और उसमें अगर आपका पिन सॉरी अगर उसमें आपका FRP लॉक लग गया गाइस, देख लीजिए ठीक है। एंड्रॉयड आपका 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है दोस्तों। तो इसमें आपका जो कोड वोड है कुछ भी काम नहीं करेगा, पुराना वाला मैसेज, ना ही आपका कोई एप्लीकेशन काम करेगा, ना ही आपका कोई पुराना आप एप्लीकेशन को ना ही ऑफ कर पाइएगा, ना ही डाउनलोड कर पाइएगा। इसमें बिल्कुल पुराना मेथड कोई भी काम नहीं करेगा, इस ध्यान से देखना है। बिल्कुल नई वर्किंग मेथड वीडियो बनाएंगे, तो जैसे जैसे हम करेंगे वैसा वैसा ही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा गाइज ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको वाईफाई कनेक्ट करके यहाँ पर हम लोग जो है आपको दिखाएंगे गाइज यहाँ पर ठीक है। देखिए जैसे हमारे यहाँ वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे गाइस हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे डिवाइस यहाँ पर डाउन कॉपी क्लिक करेंगे, डाउन कॉपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकिंग अपडेट बोला जा रहा, तो चेकिंग अपडेट भी करने देंगे गाइस। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है गाइस, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो मैं बनाना बंद नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है इंटर योर लॉक स्क्रीन पासवर्ड। अगर आपके पास अपना पुराना पासवर्ड है तो आप यहीं से आगे बढ़ जाइएगा, कोई बाईपास करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं है अपना पैटर्न पासवर्ड ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन भी देखने को मिलता है अपना जीमेल अकाउंट का। अगर आपको जीमेल अकाउंट है उसका पासवर्ड याद है तो आप उससे भी आगे बढ़ सकते हैं ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको अपना पुराना जीमेल वगैरह बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर अकाउंट। अगर आपको अपना पुराना अकाउंट याद है यानी कि जीमेल अकाउंट उसका पासवर्ड याद है तो आप यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं याद है तो गाइस इस वाइट वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना पड़ेगा ठीक है। आपके पास कोई सी भी ओप्पो कोई फ़ोन है FRP बाईपास हो जाएगा ठीक है। 11 हो, 12 हो, ये देखिए एंड्रॉयड 11, 12, 13 किसी में भी सेम टू सेम काम करके। देखिए एड मैनुअली नेटवर्क पर जाकर देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, दाहिने तरफ माइक का ऑप्शन दिखेगा, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, डोंट अलाउ पर क्लिक कीजिएगा, फिर से उस पर क्लिक करके डोंट अलाउ पर क्लिक कीजिएगा, फिर से वहाँ पर क्लिक करके डाउन अलाउ पर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा ठीक है, यानी कि पुराना वाला मेथड आपका कुछ भी काम नहीं करेगा गाइस ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ कि पुराने वाले मेथड काम नहीं करेगा। देखिए उस सिंबल के ऊपर क्लिक करके भी यहाँ पर जो आपको शेयर का ऑप्शन आता था वो भी नहीं आएगा ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, देखिए मैं यहाँ पर आपको जो है कोड डायल करके भी दिखा देता हूँ ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कोड काम कर जाता है, अभी जो ना कोड वोड वाला कुछ भी काम नहीं कर रहा गाइस ठीक है। आपकी *812 *813 चाहिए कोई भी कोड ले लो आप, काम नहीं करेगी गाइस, क्योंकि इसमें जो है पुरानी ट्रिक काम नहीं करती है। बिल्कुल एंड्रॉयड जो है अपडेट कर दी गई है गाइस ठीक है। देखिए *813 डालने के बाद, हज डालने के बाद पहले हो जाता था गाइस, अब जो है नहीं होता है ठीक है। पहले क्या होता था *813 हज डालने के बाद हो जाता था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे गाइस ठीक है। वीडियो अगर अंत तक बने रहिएगा तो FRP बाईपास कर लीजिए अगर आपके पास कोई सी भी ओप्पो की डिवाइस हो ठीक है। देखिए *813 हमने डाला, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा ठीक है। देखिए अब हम जो है फिर आपको दूसरा वाला कोड भी डाल के यहाँ पर दिखा देंगे, देखिए *812 ठीक है। उसके बाद हम फिर से यहाँ हच डाल के दिखा रहे हैं गाइस, इसमें पुरानी वाली कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी ठीक है। वीडियो को बस आपको अंत तक देखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, अब घर बैठे FRP बाईपास कर लीजिएगा ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम अप डाउन, देखिए गाइस वॉल्यूम अप डाउन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद टर्न ऑन का ऑप्शन आगे दिखे, टर्न ऑन टोल बैक, हम टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे बाएं तरफ पे ओके। फिर से हम वॉल्यूम अप डाउन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ठीक है। देखिए वॉल्यूम बढ़ाना और घटाना दोनों को फिर से दबा के रखेंगे, सेम फिर दबा के रखेंगे पूरा, हमारी टोल बैक यहाँ से ऑफ ऑन हो गई गाइस। देखिए हमारी टोल बैक यहाँ पर ऑन हो गई गाइस। अब देखिए हम यहाँ पर उल्टा एल बनाएंगे, देखिए हम आपको यहाँ पर सिंबल भी दे देंगे, कैसा सिंबल यहाँ पर होता है, हम आपको यहाँ पर सिंबल भी दे देंगे ठीक है। देखिए यहाँ पर उल्टा एल हम दो तीन बार ट्राई करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पर एल बन जा रहा है ठीक है। यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देंगे, अभी जैसे अलाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे यूज़ वॉइस कमांड पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना गाइस ठीक है। हे गूगल असिस्टेंट, ओपन सेटिंग, देखिए हमारी सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगी प्रॉपर गाइस ठीक है। अगर ओपन आपकी सेटिंग ना हो तो आप यहाँ पर ओपन क्रोम भी बोल सकते हैं, ओपन यूट्यूब भी बोल सकते हैं ठीक है। तो सेटिंग भी हमारी आ गई तो हम सेटिंग ही बोले, दो तीन इसमें और काम करता आप बोल के देख लीजिए ओके। अब सबसे पहले गाइस आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आना है, आपको खोजना है यहाँ पर एडिशनल सेटिंग, ध्यान से देखिएगा। एडिशनल सेटिंग खोजने के बाद यहाँ पर एसेसिबिलिटी खोजना है, एसेसिबिलिटी खोजने के बाद आपको यहाँ पर एसेसिबिलिटी शॉर्टकट मेनू को ऑन कर लेना, ध्यान से देखिए हमने एसेसिबिलिटी शॉर्टकट मेनू को ऑन कर लिया, देखिए ओके पे क्लिक कर देंगे, देखिए हमारी एसेसिबिलिटी यहाँ पर ऑन हो गई ठीक है।
एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट मेन्यू ऑन हो गए। अब बैक जाना है गाइस, हमको बैक जाना है। इसमें ऐप वाला कोई काम नहीं करेगा, ना ऐप अपलोड कर पाइएगा, ना कोई ऐप को डिलीट कर पाइएगा, ना ही रिसेट वाला ऑप्शन, यानी पुरानी वाली जो है अभी नई वाली ओप्पो की मोबाइल में पुरानी वाली आपकी कोई भी मेथड काम नहीं कर पा रही है। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर रिसेट वाला ऑप्शन भी आपका काम नहीं करेगा। आप ऐप को डिसेबल करिएगा तब भी नहीं होगा, ठीक है, देखते रहिए ध्यान से। देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर जाके कहाँ था वो गाइस, कहाँ पर था मैं आपको दिखा देता हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा गाइस। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, हमें बिल्कुल ध्यान से जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे ही खोजना आपको, ठीक है, हमें खोजना है गाइस। मैं आपको पहले पूरी तरीके से दिखा दूँगा ऐप मैनेजमेंट में, ठीक है। देखिए ऐप मैनेज में आने के बाद ऐप लिस्ट में जाएंगे, ऐप लिस्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको ऐप पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ। देखिए हमारी ऐप को आने दीजिए, जैसे ही हमारी ऐप आ जाएगी मैं आपको वहाँ भी दिखा देता हूँ कि ऐप वाला सिस्टम भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। देखिए ऐप वाला सिस्टम भी आपका काम नहीं करेगा, यानी कि जो गाइस पुरानी वाली मेथड काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे पूरा। अब यहाँ पर आपको खोजना ध्यान से, डिस्प्ले में आपको दिखा देता हूँ कहाँ खोजना है आपको, आपको डिस्प्ले खोजना, देखिए कहाँ पर खोजना मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन खोजना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसको खोजने के बाद गाइस आपको यहाँ पर खोजना है होम स्क्रीन लेआउट 4.6 पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही गाइस हम 4.6 पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारी मोबाइल यहाँ से डिस्प्ले मोड में आ जाएगी। डिस्प्ले मोड में जैसी आएगी यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन होगा, टूल्स उसके ऊपर क्लिक करेंगे। टूल्स पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे फ़ोन कॉलोन का ऑप्शन है, वहाँ पे कॉलोन फ़ोन पे ऑन करेंगे। उसके बाद जो हमसे यहाँ से टर्म एक्सेप्ट करने बोलेगा सारा चीज़ को हम यहाँ पर एग्री कर देंगे गाइस। ओके देखिए हमसे जहाँ जहाँ पर एग्री मांग रहा है हम सारा जगह में एग्री कर देते हैं। अब यहाँ पर न्यू फ़ोन पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाला एम इम्पोर्ट डाटा फ़ोन ऑन रियलमी। देखिए हमारे यहाँ पर एक स्क्रीन जनरेट हो गई, ठीक है। अब हम कोई सी भी कंपनी की एक मोबाइल लेंगे गाइस, ओके ध्यान रहे हमारे पास किसी कंपनी का भी एक फ़ोन हो बस उसमें प्ले स्टोर चलना चाहिए। ओके गाइस हम एक दूसरी कंपनी की कोई फ़ोन लेंगे उसमें हमारा प्ले स्टोर चालू होना चाहिए। उसके बाद हमको यहाँ से दो ऐप डाउनलोड कर लेना है। ओके गाइस मैं आपको दिखा दूँगा कौन सा ऐप है वो। सबसे पहले मैं यहाँ से कोई फ़ोन ले लेता हूँ गाइस, रुकिए गाइस थोड़ा सा समय लग रहा है मेरा पास फ़ोन, यहाँ मुझे लेना पड़ रहा है किसी से, मेरे पास पर्सनली था नहीं, मेरा वाला में वीडियो शूट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर गाइस हमको ओप्पो फ़ोन क्लोन का, देखिए हमें को यहाँ पर एक ऐप डाउनलोड कर लेना, देख लीजिए उसका इंटरफेस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए देखिए ओप्पो फ़ोन क्लोन ऐप, ठीक है, या ऊपर से ऊपर वाला भी कर सकते हैं आप, क्लोन फ़ोन ऑन प्लस वो भी कर सकते हैं आप, दो में से कोई भी कर लीजिएगा। तो मैं कोई भी कर देता हूँ, इंटरफेस भी देख लीजिए। हमको यहाँ पर ओल्ड फ़ोन पर क्लिक करना है, ओप्पो रियल मी ऑन प्लस पर क्लिक करना है। अब देखिए गाइस सॉरी हमको यहाँ पर ओल्ड फ़ोन पर क्लिक करना है, देखिए दिस इज़ द ओल्ड डिवाइस उस पर क्लिक करना है। टर्न ऑन सर्विस करने बोला तो सर्विस पे क्लिक करेंगे, जो जो परमिशन इसमें मांगेगा सारा परमिशन हम यहाँ पर ये अलाउ दे देंगे गाइस। देखिए अब हमको यहाँ से फाइनली स्किन करना है, बस जैसे ही स्किन कर लेना गाइस ध्यान से देखिएगा। अब हमको यहाँ पर एक हमारी एक दूसरे से देखिए डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट हो गई। ध्यान रहे पूरा प्रोसेस में गाइस हमारे इस डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए देखिए अब यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है लोड ले रहा है गाइस, रुक एक सेकेंड होने दीजिए, स्टार्ट क्लोनिंग पे क्लिक करना है, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा वेट कीजिए, वो प्रेपरिंग डाटा कर रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए हो गया गाइस, अब हमको सबको यहाँ से अनटिक कर देना, ठीक है, सबको एक एक करके अनटिक कर देना है। देखिए सबको अनटिक कर देना, उसके बाद ऐप्स में जाना है हमको, ठीक है, ऐप्स में जाना है, कोई से भी ऐप्स गाइस हमको यहाँ से ले लेना। ओके जो सबसे कम एमबी वाला आपका ऐप होगा आप ले लीजिएगा, कोई से भी ऐप होगा कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, स्कैनर पैटर्न पासवर्ड मांगा वहाँ पर वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए गाइस हमारा ऐप जो है यहाँ से चला गया, हमारी ओल्ड फ़ोन जो था उसका काम यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ से उसको हम साइड में कर लेंगे गाइस। ओके ओल्ड फ़ोन का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए डन लिखा हुआ गया, डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे जैसे क्लिक करेंगे गाइस देखिए यहाँ पर आपका आ गया, देखिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड लिखा आ गया, हम यहीं पर क्लिक कर देंगे फाइनली। उसके बाद देखिए गाइस हमारी प्रॉपर जो है FRP बाईपास हो गई गाइस, चाहे एंड्रॉयड 11 हो 12 हो या 13 हो गाइस सब में यही ट्रिक काम कर रहा है। इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगली कोई और वीडियो में, टेक केयर गाइस, बाय बाय।